साथियों, आज इस महापंचायत में एक विषय रखा गया था, कुछ लोगों को बताया गया था और कुछ लोगों को नहीं बताया गया, क्योंकि भारी बारिश आज 2 से 3 दिन पहले हो रही थी, तो यहाँ यह हुआ कि यह कार्यक्रम रद्द किया जाएगा। लेकिन आप लोग देख लीजिए, पानी निकल गया और हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। केवल एक दिन की मेहनत की वजह से इतनी भीड़ आई है। अगर बरसात नहीं हुई होती तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते। केवल एक दिन की मेहनत की बदौलत हम लोग किसी से नहीं मिले। सोशल मीडिया की ताकत से इतने लोग आज उपस्थित हुए हैं, और जितने लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे पारसी समाज के ऊपर रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन घटना न घटती हो। घटना उस समाज के ऊपर घटती है या तो जिस समाज बहुत मजबूत होता है, या तो उस समाज के ऊपर घटना घटती है, या तो बहुत कमजोर समाज के लोगों के ऊपर घटना घटती है। मैं तो नहीं मानता कि हमारे समाज के लोग इतने मजबूत हो गए हैं कि उनके ऊपर घटनाएं घट रही हैं। आज हमारा समाज रहा होगा हजारों वर्षों पहले, राजा और महाराजाओं के औलाद हम रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग राजा और महाराजाओं की बात तो करते हैं, लेकिन ना राजा और महाराजाओं के औलाद हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, और राजा और महाराजाओं वाली बात नहीं करता, वो केवल बात करता है चाटुकारिता की बात करता है। कोई यार राजा और महाराजाओं की बात करता है तो मान्य बहन सावित्री बाई फूले जी ने किया है। अगर चाटुकारिता वाली बात करते तो आज एक कैबिनेट मंत्री होती, उत्तर प्रदेश में नहीं केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री होती। हमारी माता जी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी, यही कुंडा पंचम से चुनाव लड़ रही थी, तो लोगों ने कहा कि चुनाव मत लड़ो नहीं तुम मार दिए जाओगे। बहुत लोगों ने धमकी दिया कि तुम मार दिए जाओगे। हमने कहा कि हमारी माता जी चुनाव लड़ेंगे, अगर हमारी मौत आज होगी तो होगी, लेकिन मैं पर्चा वापिस नहीं लूंगा। और हमको उठाया भी गया, हमको कहा गया कि गुड्डन तुम हमारे पार्टी से आओ, चुनाव लड़ लो, मैं तुमको टिकट देता हूँ। मैंने सफा मना कर दिया, क्योंकि जिस पार्टी में हमारे लोगों का सम्मान नहीं, उस पार्टी में जाने से कोई मतलब नहीं। और वही पार्टी है जो हमारे समाज के लोगों का SC ST एक्ट का विरोध करती है, और हमारे समाज के लोग उस पार्टी में चाटुकारिता करने का काम कर रहे हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले 2022 में हमको उन लोगों को दिखा देना है कि जो समाज के चाटुकारिता है उनको उखाड़ फेंकने का काम करना है। हमको उठाया गया, कहे कि गुड्डन तुम 2 नलका ले लो, चुनाव मत लड़ो। हमने कहा माननीय जी आज तक तो आपकी याद नहीं आई कि गुड्डन तुम 2 नलका ले लो, तुम चुनाव मत लड़ो। मैं 2 नलके में नहीं बिकने वाला हूँ, मैं समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं समाज की लड़ाई लड़ने वाला हूँ, मैं कोई समाज का दलाल नहीं हूँ कि आपके कहने पे मैं 2 नलके में बिक जाऊंगा। तो उनके आकर उनको कहते हैं अरे आप गुड्डन को रोकिए चुनाव न लड़े, तो कहते हैं कि गुड्डन हमारे बस की बात नहीं है, आप ही रोक दीजिए। कहते हैं गुड्डन हमारे बस की बात नहीं है, आप ही रोक दीजिए। और मैं जब चुनाव लड़ा तो मैं अपनी बदौलत नहीं लड़ा, अपने समाज की बदौलत लड़ा। मैंने सोच कर रखा था
कि अगर मुझे कोई धमकी देगा, कोई मारने आएगा तो मैं तो अकेला निकला हूँ, लेकिन कुंडा और बाबागंज के जितने पासी समाज के लोग हैं हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। उनको पता था कि गुड्डन पासी के साथ ये लोग खड़े होने का काम करेंगे, इसलिए लोग मुझे छूने का काम नहीं किया। और लोग कहते हैं मैं उस ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा था जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली लगाता है, बबलू सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया, जिसके सामने हमारे विधायक जो है पैर छूने का काम करते हैं, पासी बिरादरी के हैं विधायक, उसका पैर छूने का काम करते हैं। मैंने उसके सामने चुनाव लड़ने का काम किया, अपने माता जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, कितने बदौलत चुनाव लड़ाने का काम किया, अपने समाज की बदौलत चुनाव लड़ाने का काम किया। और जो डरता है उसी को डराया जाता है। आप लोग जिस दिन से डरना बंद कर देंगे आपको किसी की औकात नहीं आया, आपको आके टच कर देगा। यही हमारे प्रमोद राज पासी 2019 में चुनाव का प्रचार कर रहे थे, इनके वोटों पे गोला लगा के भेज दिया गया कि प्रमोद दो दिन बाद जाएगी, लेकिन प्रमोद राजपासी डरने का काम नहीं किए और लगातार उनका विरोध करने का काम किया, किसी की औकात नहीं हुई कि प्रमोद पासी को टच कर दे। केवल आप लोग को सोचना है कि हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना है। जिस दिन आप लोग ये सोच लेंगे तो किसी की औकात नहीं है आपको टच कर दे। साथियों, आप लोग देख रहे हैं लगातार पासी समाज के लोगों की हत्या की जा रही है। अभी सेमरा की घटना ले लीजिए, कुछ दबंग ठाकुर लोग उसकी मारकर हत्या कर देते हैं गणेश पासी की, एक छोटे से विवाद के लिए। उसमें क्या हुआ था, गणेश पासी आ रहा था, उसने उस लोगों ने रोका कि गणेश तुम रुक जाओ, उसने मना कर दिया, नहीं रुका, उसको गोली से मारने का काम करते हैं साथियों। पूरे पासी समाज के लोग इकट्ठा होके गणेश पासी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं और लास्ट में जाके गणेश पासी को न्याय मिलता है। उसी के बगल में एक घरारा ग्राम सभा है जो हमारी बेटी श्रद्धा सरोज का बलात्कार करके ठाकुरों द्वारा उसको मार के फेंक दिया जाता है, उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके हमारी बेटी को न्याय मिलता है। और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग क्यों आंदोलन करते हो, क्यों सड़क पे आ जाते हो, लाश को लेकर राजनीति करते हो। हमने कहा साहब, हम लोग उस जात से आते हैं कि अगर हम लोग आंदोलन न करें तो कुछ कोई न्याय नहीं मिलता, और आप जिसकी बात करते हो अगर उसके घर में कोई घटना घट जाती है तो उसको घर लाश उठने से पहले उसके अन्य जो दोषी होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब मेरे समाज के लोगों के ऊपर घटना घटती है तो दोषियों को भगाने का काम करते हैं लोग। यही कसम भी मिले लीजिए, हमारे एक पासी बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। यही इलाहाबाद के ले लीजिए, हमारे पासी समाज के भाई के घर तोड़ दिया जाता है, बच्चा पासी का घर तोड़ के गिराने का काम किया जाता है, और कौन लोग करते हैं, सामंतवादी, मानवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा घर उसका तोड़ाया जाता है। और वो लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबका साथ तो ले लिए लेकिन दलितों और पिछड़ों का विनाश करने का काम किया है। यही मुन्ना पासी की घर तोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा उल्टा से लिखा जाता है। मुन्ना पासी को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो हमारे समाज के लोगों को जानकारी होती है कि मुन्ना पासी आजमगढ़ वाले का घर तोड़ा जाता है और उसको ऊपर से पुलिस मुकदमा करती है, तब हमारे समाज के लोग इकट्ठा होके एकता दिखाने का काम किया, तब जाके मुन्ना पासी के ऊपर से मुकदमा हटता है और मुन्ना पासी को न्याय मिलता है। यही बगल की घटना है अवधेश सरोज की। अबे ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 साल हुए होंगे, अवधेश सरोज को सामंतवादियों द्वारा लाठे डंडे और गोली से मारकर हत्या कर दी जाती है। लाठी डंडा और गोलियों से मारकर हत्या कर दी जाती है, और हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन करने का काम किया, तब जाके अवधेश सरोज को न्याय मिला, और वही आज वो लोग छूट के चले जाते हैं। और प्रशासन के लोग
भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ का जो SDM होता है वो हम लोगों को आश्वासन दिलाता है कि आप लोग का आंदोलन खत्म कर दीजिए, दोषियों को जेल भेजा जाएगा और देशवासी के परिवार वालों को 500 लाइसेंस दिया जाएगा, 3 बीघा जमीन दिया जाएगा और 20 लाख रुपए दिया जाएगा। क्या देशवासी को न्याय मिला? आज तक देशवासी को न्याय नहीं मिला। क्या उसके परिवार वालों को शस्त्र लाइसेंस मिला? आज तक शस्त्र लाइसेंस नहीं मिला। क्या उसके परिवार वालों को पैसा मिला? आज तक पैसा नहीं मिला। और कहा जाता है कि जो दोस्त जो क्रांति पासी और उसके साथ 308 का मुकदमा लगता है, कहा गया कि देशवासी की जो साथ में थे, जो साथी थे, उनके ऊपर से 308 जैसी धाराओं हटा लिया जाएगा। लेकिन क्या 308 जैसी धारा SDM ने हटाने का काम किया? आज क्रांति पासी जैसे लोग जेल में हैं। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग आज जेल में जाने का काम किया, लेकिन जिन लोगों की लड़ाई लड़ा आज वो लोग साथ खड़े होने का काम नहीं किया साथियों। और यही बगल में है, लोग आने का काम नहीं किया। जब हमारे लोगों के ऊपर घटना घटती है तो हमारे लोग खड़े होने का काम करते हैं। आज मैं जब सुबह उठा तो टेंट लाने गया था और टेंट लाके यहाँ टेंट जैसे गिराया उसको हमारे पास फोन आता है, कहा जाता है गुड्डन भाई को रहीम एक पासी की हत्या कर दी गई, जो कि 15 तारीख को लड़का लापता होता है और 19 तारीख को उसकी शारदा सहायक नहर में लाश मिलती है। साथियों शारदा सहायक में लाश मिलती है, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने का काम नहीं किया। हमारे लोगों ने ढूंढने का काम किया। जब उसकी लाश मिलती है तो हमारे पास फोन आता है कि गुड्डन पासी समाज के लोगों की हत्या हो गई है, तो वहां चलना है। हम और अच्छे लाल और हमारे जितने साथी थे और मौत पासी और वहां जाने का काम करते हैं। वहां से कुछ समाजवादी लोग आते हैं और उसके माता पिता को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, कहा जाता है कि ये लोग तो आ जाए हैं, आंदोलन करके चले जाएंगे, लेकिन क्या जब कल तुम फंसोगे तो क्या तुमको लोग छुड़ाने आएंगे। मैं उस परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने आंदोलन किया है, न्याय दिलाने का काम किया है, आज तक अगर उस परिवार के साथ कुछ हुआ है तो हम लोग कंधा से कंधा मिला के खड़ा होने का काम किया है साथी। जिस दिन हमारे समाज के लोग एक मंच पे आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, उस दिन हम लोग बड़ी ताकत बन जाएंगे। और जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है और जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रहे हैं वो लोग डर जाएंगे और दूर भाग जाएंगे। साथियों मैं समाज के लोगों से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गुड्डन पासी के शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक समाज के लोगों के लिए लड़ने का काम करेगा। मुझे कोई MP और MLA बनने का शौक नहीं है साथियों। अगर एक पासी महापंचायत का काम कार्यक्रम कराया है तो मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं, मैं 2022 में चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपने समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। साथियों अगर मुझे भी MP और MLA बनने का काम करना होता तो मैं समाज की लड़ाई ना करता, किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के लोगों के साथ जाके चाटुकर्ता करने का काम करता, टिकट तो मिल ही जाती। और मैं MP MLA डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ साथियों, MP MLA तो बन जाता लेकिन समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं बन पाता। साथियों जैसे आज हमारे समाज के सांसद विधायक है, समाज के ऊपर घटना घटती है, जब तक उनके आका का आदेश नहीं आता, जब तक उनके आका कुछ नहीं कहते, तब तक वो समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। साथियों छह पासी है सांसद उत्तर प्रदेश में, पासियों पर घटना घटती है, एक ट्वीट तक नहीं आता। 28 विधायक हैं, पासियों पर घटना घटती है, एक ट्वीट तक।